हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीएल वेट क्लिनिक। आपका डॉग आपकी प्रोटेक्शन करे या ना करे, लेकिन आपको उसकी प्रोटेक्शन करनी ही पड़ती है, जैसे कि समय पर डिवॉर्मिंग करना, वैक्सीनेशन करना और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, आज हम वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं। वैक्सीनेशन क्या होती है, कैसे होती है, कब की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं। वैक्सीन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो किसी विशेष बीमारी के लिए बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन बनता है कि यह किस तरह से बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है या बढ़ा देता है। दोस्तों, किसी बीमारी के जर्म्स को कमज़ोर करके या किल करके वैक्सीन को लैब में बनाया जाता है। जब इन कमज़ोर जर्म्स को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो यह बीमारी पैदा नहीं करते, बल्कि इनकी प्रेजेंस से बॉडी खुद ही इनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत कर लेती है। अगर उसी बीमारी के जर्म भविष्य में कभी भी बॉडी पर अटैक करते हैं तो बॉडी खुद ही उस बीमारी से लड़ लेती है। तो चलिए एक एरो डायग्राम देखते हैं। जब हम वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी में हल्का इन्फेक्शन होता है और एंटीबॉडी बनती है। इसके साथ ही इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और फिर मेमोरी बी लिम्फोसाइट बनती है। और जब भी भविष्य में बीमारी का इन्फेक्शन होता है तो मेमोरी सेल्स बॉडी को बचाती है। दोस्तों, हमें मेनली कैनाइन पार्वो वायरस, कैनाइन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, कैनाइन डिस्टेम्पर, कैनाइन एडिनो वायरस, कैनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पायरोसिस और रेबीज वायरस के लिए अपने डॉग को वैक्सीनेट कराना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी बीमारी आपके डॉग को होती है तो आपको और आपके डॉग को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों, ये सारी वैक्सीन केवल दो वैक्सीन में कवर हो जाती हैं। 5-in-1, 7-in-1, 9-in-1 के अंदर लगभग सारी बीमारियां आ जाती हैं और इसके बाद आपको एंटी रेबीज लगवानी होती है। कुछ वेटनेरियन कैनल कफ और कैनाइन कोरोना वैक्सीन भी यूज करते हैं, लेकिन यह वैक्सीन कोर वैक्सीन के अंदर नहीं आती हैं। आइए डॉग वैक्सीनेशन चार्ट देखते हैं। डॉग को सबसे पहली वैक्सीन 40 से 45 दिन पर लगानी चाहिए। 5-in-1, 7-in-1 या 9-in-1 में से आप कोई भी एक वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये ऊपर बताई गई सभी इंपॉर्टेंट बीमारियों को कवर करती है। बस इन वैक्सीन में स्ट्रेन का फर्क होता है। इसके बाद दूसरी वैक्सीन 21 दिन बाद पहली वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाती है। इसी तरह हर 21 दिन के डिफरेंस पर चार्ट के हिसाब से वैक्सीन लगाई जाती है। इसके बाद हर साल एक 9-in-1 और एक एंटी रेबीज लाइफ टाइम तक लगवाते रहना चाहिए। दोस्तों, वैक्सीन को समय पर लगवाना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी हैप्पी विथ योर पेट।